प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाइयों, कल महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर हमें ऐसी तैयारी के साथ मंदिर तक शिव यात्रा करके जाना है ताकि भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो ही जाए। अरे बाबा भाई, भोलेनाथ को तो मैं भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। और डॉक्टर आदि, और तुमको भी शादी करवानी है क्या? अरे नहीं नहीं सोटी, मरवाएगा क्या? मैं तो भोलेनाथ की इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार, यानी हमारी गोकुल धाम का परिवार हमेशा खुश रहे और मुझे भूख लगने पे नाश्ता मिलता रहे। मतलब इन शॉर्ट 24 घंटे आपको नाश्ता मिलता रहे। सही बात है। हाँ, क्योंकि जब तक पृथ्वी है वो घूमती रहेगी तब तक डॉक्टर आती को भूख लगती रहेगी। अरे भाई, भोजन नहीं भक्ति की बात करो, कल की तैयारी की बात करो। भाई पोपटलाल, मैंने फूल और हार के लिए बोल दिया है। ओ हाँ यारो, ओ यात्रा की गड्डी का भी मैंने फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया। वेरी गुड सोनी, वेरी गुड। और नाश्ते पानी का इंतजाम कौन कर रहा है? इतने चढ़ले। ओहो, या यात्रा के रास्ते की बात चल रही है, नाश्ते की नहीं भाई। भाई कल उपवास से सबका आपका है। हाँ, तुम्हारा उपवास इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्या? तो भाई तुम मेरे परिवार वाले हो, सब बराबर है। उपवास करके तब शिव जी खुश होंगे। अरे हम लोग यार तुम्हारे लिए होने अंदर ले लो भाई, अंदर ले लो। अबे चलने, इधर ही उतर जाने, इतना नहीं चल सकता, चल। अब भाई साहब कितना हुआ? अरे अरे क्या कर रहे हैं बाबूजी, मैं दे रहा हूँ। दे, कितना हुआ भाई? 33 रुपया। अरे भाई, मेरा रोज का है दुकान से घर पे आने का, 30 रुपया होता है। सर ट्रैफिक रहता है ना? नहीं भाई, नहीं सब बराबर है भाई, रखो 30 रुपया। ओ भाई साहब, आपकी थैली। थैंक यू भाई। कोई बात नहीं। रोबो, अकल पकड़ जो, ध्यान कहाँ है तेरा? पप्पू जो आप पैसा देने जा रहे थे ना, उसमें चुप रहे। पहली बार ऐसी गड़बड़ हुई है पप्पू जी। चल चल अबे। लो जेठालाल भी आ गए। अरे जेठालाल, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे पीछे देखो यार, पैसे गिरे हुए। कोई पैसे को हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे पैसे हैं, मैं उठाऊंगा। अरे भाई, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। थैंक यू, लेकिन आपकी मदद की जरूरत नहीं है। थैंक यू प्लीज। सॉरी सॉरी जेठाब्रा। सॉरी? अरे यार, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं भी पैसे उठाने आ रहा था। नहीं नहीं, मैं तुमको मना नहीं कर रहा था, तुम तो उठा ही सकते हो। अरे ओ थैंक यू जेठाब्रा, और तू यार मेरी आ रहा है, आ जा फटाफट उठाओ। ये पता नहीं कैसे ये, अरे बाप रे, वो उंगली तो फट गई है। फटाफट संभालो यार। सॉरी सॉरी, ये कैसे हो गया समझ में नहीं आया। हाय जेठाला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और ऐसी लापरवाही। हाँ जेठाब्रा, कमाल हो यार, इतने पैसे ऐसे लेके आ रहे हो जैसे भिंडी और टमाटर। सही बात है जेठा भाई, ये तो आपका नसीब अच्छा था कि पैसे सोसाइटी में गिरे। अगर बाहर गिरे होते तो अगर रोड पे पैसे गिरते ना डॉक्टर आती, तो ये थैली नहीं फटी होती, जेठालाल की किस्मत फूट जाती। सॉरी बाबूजी, वो पहली बार ऐसे गड़बड़, दूसरी बार। जेठालाल, देखो ध्यान रखना भाई, नजर में आ गया कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं।
पोपटलाल, जेठालाल को ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। जेठालाल तुम जाओ, खाना वाना खा के आराम से आओ, छोटा चौपे मिलते हैं। जिस अंदाज से बापू जी ऊपर गए, पता नहीं घर पे क्या खाने को मिलेगा। ना डर क्या पोपटलाल। और हाँ जेठालाल, डांट खाने के बाद ये मत भूलना कि कल सुबह 9 बजे माँ शिवरात्रि की यात्रा पर जाना है। हाँ अरे भाई, इधर आज की रात्रि का टेंशन है, तुम माँ शिवरात्रि की बात कर रहे हो। ए जेठिया ऊपर आया बापू जी, चलो चलो मिलते हैं थोड़ा शॉप में। जेठालाल जी वाट है आज। चलो भाई हम लोग भी खाना खाते हैं। हाँ अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आज का तो खाना कोमल ने बना लिया है, आपको फिर कभी और मौका देंगे। डॉक्टर हाथी, मैं अपने घर खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अपने घर खाने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कहने वाली क्या बात थी? दोस्तों आज सब खाना खा लो, लेकिन ये याद रखना कि कल सबका उपवास है। समझ गए। अरे पंडित जी, आपको ये सारी पूजा की सामग्री का लिस्ट मुझे दोपहर को ही दे देना चाहिए था ना, अभी रात को मैं ये सब। अच्छा अच्छा चलिए बोलिए क्या है। हाँ हाँ, मधु, अगन्य का जूस। पंडित जी एक काम कीजिए ना, आप ये पूरी सामग्री आप ही लेकर आइए ना। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, हम सारे गोकुलधाम वासी शिव यात्रा करते करते वहाँ आएंगे। पालकी, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से पालकी को सजा कर शिव धुन गाते गाते वहाँ मंदिर पहुँचेंगे। हाँ बराबर, हाँ ठीक है, जय भोले। हाँ मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी कल सच में गोकुलधाम से लेकर शिव मंदिर तक धूमधाम से यात्रा निकलने वाली है। हाँ दिखा। अरे बापू जी आप आ गए, लो डब्बू के पापा भी आ गए। ये जेठिया, एक मिनट बापू जी। हाँ? इसमें पैसे हैं, इसको तो संभाल के रख देना, संभाल के रखना। हाँ? और कल मैं मांगू तो मुझे देना। ठीक है। ये जेठिया। दादा जी। बापू मेरा लाडला, मेरा बेटा। एक मिनट ना पापा। दादा जी, दादा जी आप कहाँ चले गए थे, पता है मैं आपको सुबह से मिस कर रहा था। अच्छा अच्छा सुन बेटा, परीक्षा आ रही है ना, तो रूम में जाके पढ़ाई कर जा। ओके दादा। बापू जी है क्या? ओके बापू जी, ओ सुबह से पढ़ाई तो कर रहा होगा, अभी इसको थोड़ा खेलना है तो खेलने दे। बैठ बैठ, इधर ही बैठ के खेल। टॉप जी। दादा जी मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। ए बाबू चाचा, तेरे में दिमाग है कि नहीं, 5 लाख जैसी रकम रिक्शा में तो भूल गया। अब 5 लाख रुपए रिक्शा में भूल गए? अरे भाई वो पैसे फिर मिल गए। हाँ हाँ, लेकिन मिलने के बाद भी थैली में से पैसों का बंडल गिर रहा था और तुझे पता भी नहीं चला। अरे जो पैसे मैं भूल गया था वही थैली में से गिर रहे थे, लेकिन वो सब मिल गए। अभी जो थैली मैंने तुझे दी ना, वो वही पैसे है। डोबो अकल वगैरह, जो पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। बापूजी लेकिन कभी इंसान से हो जाती है गलती ऐसी? इसे गलती नहीं, लापरवाही कहते हैं। अब सुन, कल के कल सबसे पहले तुझे जिसे पैसे देने ना उसे पैसे देकर आना, समझा? लेकिन बापूजी कल तो शिवरात्रि है ना, तो हम सब लोग शिव मंदिर जाने वाले हैं। अरे हाँ, इसका मतलब कल सोसाइटी में भी कोई नहीं होगा, और इतने सारे पैसे घर में रखना मतलब। एक काम कर भाई, कल सुबह जल्दी उठ के शिव मंदिर जाने से पहले तुझे ये पैसे जिसे पहुंचाना है ना उसे पहुंचा देना, समझा? बहू इसे सुबह 6 बजे उठा देना। जी बापूजी। तू बहू है? नहीं नहीं, पैसे पहुंचा दूंगा उसके लिए। जी बापूजी, पर जल्दी उठा देना का जी बापूजी तू बोलते। जी बापूजी। बापूजी मैं खाना लगा दूं? मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ठीक है।
5 लाख। चापले अब्दुल, आज एक साथ मुझे 500 रुपया दे दे, थोड़ा खाना ज्यादा खा लिया। हाँ भाई, कल महाशिवरात्रि का उपवास है, कल खाना खाना नहीं है, इसलिए आज ज्यादा खा के कोटा पूरा कर लिया है। सही बात है। अरे मेहता साहब, महाशिवरात्रि हो या ना हो, उपवास हो या ना हो, अपने हाथी भाई तो रोज दबा के ही खाते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर हाथी का इनकम खाने में ही ज्यादा होगा। अरे अय्यर भाई, इंसान कमाता किस लिए है, खाने के लिए ना। क्यों दोस्तों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई। हेलो जेठालाल। अरे सोडा शॉप आ गया? सोडा शॉप कहीं नहीं आया, तुम सोडा शॉप पे आए हो। अरे ये भी आए कहाँ भेड़े, ये तो जा रहे थे कहीं, किन ख्यालों में घूमो जेठालाल? अरे बाबा, जिसके लाखों रुपए गिर गए हो तो ख्यालों में ही रहेंगे ना। अब्दुल तुझे कैसे पता? दो आदमी बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया। ओहो जेठालाल, लगता है खबर फैल गई है, थोड़ा सा संभल के रहना भैया। हाँ भाई संभल के रहो जेठालाल, तुम कभी भी किडनैप हो सकते हो। चल चल, मैं कोई किडनैपर बिडनैपर से डरता नहीं हूँ। मैं एक्टिंग कर रहा था छोटे, मैं कोई डरा मरा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ ये लोग हंसने लगे, वरना मैंने फुल प्लान बना लिया था। ओ चीता की झड़प से तेरे हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे मोरड़, भाई थोड़ा ढीला छोड़, ऐसे मोरड़ के तुम्हें जमीन पे गिरा देता। जेड़ा लाल फेंको मत। हाँ बराबर है भाई, सूटी को मैं गिरा सकता हूँ, फेंक थोड़ी सकता हूँ। अरे सूटी तू यहाँ से कहाँ से आया, कहाँ गया था तू? अरे यार ढोल नगाड़े वालों को कहने गया था, सुबह ठीक 9 बजे टिची यहाँ पे पहुँच जाए शिव यात्रा के लिए। वाह क्या बात है। वैसे एक बात तो है दोस्तों, पोपट लाल की वजह से गोकुल धाम में महाशिवरात्रि का उत्सव इस बार बड़ा रोमांचक हो गया है ना। भाई भोजनाथ से यही प्रार्थना है कि इस बार पोपटलाल की शादी करा दो। बिल्कुल पकड़े पाएंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। अरे हाँ भाई, वरना ये किसी भी लड़की को पटाने का चक्कर में मिस कॉल देता रहेगा, और ये अय्यर भाई ऐसे पति मुझ पे शक करते रहेंगे। मैंने सॉरी बोला ना तुमको, अब खत्म करो इस बात को। हाँ दोस्तों बात को खत्म करो और चलो जल्दी घर चलो और सो जाओ। अरे ये क्या बात हुई पोपटलाल, हम सबको इतनी जल्दी घर क्यों भेज रहे हो? अरे हाथी भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे, आप सब लोग जल्दी घर जाकर सोएंगे तभी तो कल सुबह जल्दी उठेंगे। कल कितना खास दिन है। हाँ जेठालाल, तुम्हारा तो वैसे भी देर तक सोने में रिकॉर्ड है। तो भाई मेरी खातिर कल सुबह नहा धोकर तैयार होकर 9 बजे के पहले कंपाउंड में आ जाना। अरे हाँ भाई हाँ, हम सब नहा धोके तैयार होके 9 बजे से पहले सोसाइटी कंपाउंड में पहुँच जाएंगे भाई। तो चलो चलो भाई, चलो सब जल्दी घर चलो और सो जा। अरे अब्दुल तू भी भाई दुकान बंद करके आ, जल्दी सो जा भाई। अरे भाई कोई बात नहीं, अब्दुल तू भी दुकान बंद कर दे भाई, हमारे पोपटलाल उत्साही का मन रखने के लिए आज की रात हम इतना तो कर ही सकते। मुझे 5 सोडा पीने थे भाई, कोई गल नहीं। अरे टपुड़ा, ये डमरू कल शिव जी के मंदिर में बजाना। ओके दादाजी। बेटा मैं प्रार्थना कर रही हूँ, दीका प्रार्थना कर रही हूँ। ओके वाह बापूजी, शिव जी के भजन की किताब पढ़ रहे? नहीं हिसाब की किताब। लेकिन ऊपर फोटो तो शिव जी का है, मुझे दिख रहा है तो पुस्तक में। हेलो। हाँ बोलो बोलो मुकेश भाई, बुकड़ा का डिस्काउंट। अरे भाई क्या कर रहा है, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। टप्पो। हाँ मुकेश भाई। हाँ हाँ, रोकड़ा का डिस्काउंट। हाँ वही मैं बोला, ढोकड़ा का डिस्काउंट क्या होता है? अरे भाई चाहिए तो पेमेंट 1 महीने बाद देना, लेकिन डिस्काउंट की बात मत करिए।
नहीं नहीं परवड़ता है। एक काम कीजिए, दो दिन बाद दुकान पे आइए, बैठ के बात करते हैं। ओके दया प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, पोपट भाई को ऐसी कन्या मिले जो उनके पसंद की हो और उस कन्या का मायका पोपट भाई के घर के पास ही हो। अरे पोपट लाल की बीवी का मायका पोपट लाल के घर के पास में हो या दूर, उससे तुझे क्या? वो तो जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मेरा मायका अहमदाबाद में है, अब मैं जब चाहूँ तब अहमदाबाद जा सकती हूँ। नहीं ना, आज मेरा मायका हमारे घर के पास होता। प्रार्थना चालू रख, प्रार्थना चालू रख। हे भगवंत, पोपट भाई को ऐसी कन्या देना जो अच्छा खाना बनाती हो। वो कन्या हम गोकुलधाम सोसाइटी की सभी महिलाओं के साथ घुल मिल कर रहे और वो पोपट भाई का हर काम प्यार से फटाफट करे। क्या कर रहे आप? क्या हुआ? मेरी प्रार्थना चालू है ना, प्रार्थना पूरी हो जाए उसके बाद आपको जो पूछना है वो पूछना, तभी सवाल के जवाब मिलेंगे। पोपट भाई पोपट भाई चार बजे का अलार्म रख देता हूँ। सुबह नहा कर जल्दी तैयार होकर नीचे जाना है, कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कल शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरी शादी हो जाएगी। चल बे चल, जल्दी सो जा, सुबह चार बजे उठना है। दोस्तों, दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। पहले जो वक्त पे अपना काम करते हैं, दूसरे जो लेट काम करते हैं, तीसरे जो वक्त से पहले काम करते हैं, और चौथे जो काम ही नहीं करते। लेकिन इसके अलावा एक पांचवा प्रकार और होता है, पांचवी तरह के लोग, अति उत्साही पोपटलाल जैसे लोग जो वक्त से इतना पहले काम करते हैं कि हंगामों के सिवाय कुछ नहीं होता। लेकिन अति उत्साही पोपटलाल को कौन समझाए, अपनी शादी के लिए इतने बावले हो चुके हैं कि 9 बजे शिव पूजा के लिए जाना है और 4 बजे का अलार्म लगा दिया। अब 4 से 9 के बीच में देख कितने हंगामे करते हैं, ना मैं जानता हूँ ना आप। भाई शिव जी तो प्रसन्न होना अभी बाकी है, लेकिन हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जो अभी प्रसन्न है इस पूजा के लिए, कहीं वे पोपटलाल से नाराज हो गए तो क्या होगा? और आप तो जानते हैं यहाँ नाराजगी हंगामे तो चलते रहते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ सबको बहुत आसानी से वरदान दे देते हैं, लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि बड़ी कठिनाई है, बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। अब ये विघ्न क्या होंगे, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला हंगामेदार एपिसोड। लेकिन भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप खुश रहें, सुखी रहें, हम सबकी यही शुभकामना है। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामना है, और यहाँ पोपट लाल की शादी के लिए आयोजित पूजा के पहले कितने विघ्न, कितने हंगामे, बस ये जानने के लिए देखिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.